ऑलराइट, अभी हूँ मैं अगरतला, द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। 4 दिन हो गए कैपिटल में फंसा हूँ। यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कल रात को, लेकिन आगे वाले स्टेशन से वापस इसी स्टेशन पे आना पड़ा, क्योंकि ये चेकिंग का ट्राई कर रहा था मैं। रात के 8 बज गए थे, तो वहाँ पे स्टेशन पे ज़्यादा सेफ नहीं था, तो मेरे को लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे चले जाना, तो रात को यहीं पे कैंपिंग किया था। अरे दादा कैसा हो, देखते हैं कुछ होगा। बंगाली हो? बंगाली हो या त्रिपुरी? त्रिपुरी। त्रिपुरा में कैसा बोलते हैं, तुम कैसा हो? त्रिपुरा त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी में ऐसे कैसे बोलता, हाउ आर यू? हाँ ओके थैंक यू। यार ये लोग भी क्या करें बेचारे, गवर्नमेंट तो बोलती है कि भिखारियों को पैसा देना बंद करो, भीख मंगी दूर करो, लेकिन चलता नहीं है ना यार। गवर्नमेंट ने तो अभी सेक्स वर्कर्स को भी परमिशन दे दिया, वैसा ही इनका, ये भी अपना इज्जत साइड में रख के काम करते हैं। ये भी अगरतला के स्टेशन के बाहर का नज़ारा, यहाँ पे बने हुए कुछ त्रिपुरी औरतों के स्टैचू, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी, सर के ऊपर बोतल रखी, शायद इनका कोई डांस वगैरह होता है इस यूनिफॉर्म के अंदर। कि बोन अच्छी दीदी, हाँ भालो अच्छे हो? भालो भालो पकड़ना एक बार। दीदी एटा का होबे? का हो? 5 टका 5 टका नहीं होबे का? काल 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 अच्छा खुला एक खुला दोन। हाँ थैंक यू थैंक यू ब्रदर। सबसे पहले त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ मैं। त्रिपुरा इज नोन फॉर इज रिच कल्चरल हेरिटेज। हेलो फोटोग्राफी सेशन, नाइस लुकिंग। कल्चरल हेरिटेज इसके अलावा यहाँ का किंग था माणिक्य किंग, 1400 ईस्वी से लेकर 1949 तक उनका चल रहा था यहाँ पे। मगर फिर 1949 के अंदर त्रिपुरा को मर्ज किया गया, इंडिया भारत गणतंत्र के अंदर शामिल हो गया। ये तो था फेमस किस बारे में, अब बात करते हैं कि बदनाम किस वजह से। त्रिपुरा का जो कैपिटल है अगरतला, इसका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ों की होती है तस्करी, काऊ और नशा पता। नशे पते में ब्राउन शुगर, गांजा वगैरह ये सब कुछ आम है यहाँ पे। और स्टेशन से बाहर निकलते नॉर्थ ईस्ट की फेवरेट चीज़ मछली। दादा 1 kg कितना हो बे? हाँ हाँ 200। और यहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन इतना होने के कारण काली माता का मंदिर। यार बंगाली 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 हर जगह बंगाली भरे पड़े हैं। यहाँ पे जो बंगाली है मेरे हिसाब से ये बांग्लादेश से आए हुए हैं। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ उस टाइम ये लोग भारत में आके सेटल हो गए थे। हेलो तुसी बंगाली हो बे? हाँ हाँ बंगाली बोला था ना मैंने। यार बाकी सभी चीज़ें तो मेरे को यहाँ पे मेघालय जैसे लगी, घर भी मेघालय जैसे बने हैं सेम, और छपरे के जैसे। वो तो बारिश के कारण, नॉर्थ ईस्ट में बारिश होता है तभी बनाते हैं। बाकी वेजिटेशन या फिर जो वनस्पति है वो भी सेम है, पेड़ पौधे फ्रूट्स भी सेम। जैक फ्रूट यहाँ पे लगता है, बनाना यहाँ पे लगता है, अनानास को क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल भी यहाँ पे लगता है। सेम मेघालय वाला ही हाल है, लेकिन प्राइस में काफ़ी अंतर है। जो चीज़ मेघालय में मिल रहा था 150 per kg बनाना, वो यहाँ पे 40 रुपये का मिल रहा है। आंटी केला कैसे हुआ? केला 40 रुपये का 20 केला। जैक फ्रूट का पता नहीं, पाइनएप्पल कल खाया था मैंने, पाइनएप्पल यहाँ पे मिलता है। आगे जाके ट्राई कर लेते हैं किसी दुकान पे, फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हेलो तुझे भालो? हाँ। नाम की हो बे? रेखा कर मुखर। मुखर बंगाली हो बे? हाँ बंगाली। क्या हुआ, आप कहाँ से आई? राजस्थान। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी घूमता, टूरिस्ट। टूरिस्ट मतलब? टूरिस्ट मतलब जो अपना इंडिया घूमता पूरा, देखता लोग कैसा होता। अच्छा 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 होता। हाँ। आंटी आप हाँ? लोग यहाँ पे कब आए थे इंडिया के अंदर? आप बांग्लादेश की तरफ से आए हो या पश्चिम बंगाल से आए हुए हो? बंगाली मेरा जन्म तो इधर है। आपके दादा का जन्म? हमारे दादाजी के जन्म तो बांग्लादेश में ना। हाँ यही पूछ रहा था मैं, बांग्लादेश से आए हुए ना। ओके ठीक है। अभी तो हमारा माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई नहीं है। आदमी है? आदमी भी डेथ हो गया। अच्छा बच्चा? 2 लड़का 1 लड़की। चलो लड़की भी डेथ हो गया। लड़का भी तरह बराबर है, भगवान का मर्जी। हाँ। क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। जस्ट से थैंक यू, जैसा है वैसा है ना। ओके हाँ।
ओके थैंक यू। अरे क्या क्या चलता है लोगों की जिंदगी में, हम सोचते हैं हम ही परेशान हैं। आंटी का आदमी भी मर गया, माँ भी मर गया, बाप भी मर गया, बेटी भी मर गया, लेकिन चलता है सब कुछ, पार्ट ऑफ लाइफ। ओ ओ ओ ओ आम तोड़ रहे हैं भाई साहब। एक आम हमको मिलेगा, एक ठू कैच करा था। पक्का है? एक मांगा था, दो दे दिया, थैंक यू। हाँ बंगाल के लोग बड़े प्यारे हैं यार। ऐसा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था बुरा वाला वो बंगालियों के साथ में ही हुआ था, लेकिन सभी लोगों को एक जैसा जज नहीं कर सकते ना। सॉरी सर, सॉरी, रोड पे ब्लॉगिंग नहीं भैया, रोड पे ब्लॉगिंग है। और अभी शाम नहीं हुई, दोपहर के 2 बजे हैं, ऐसा मौसम हो रखा है मानसून की वजह से। मानसून नॉर्थ ईस्ट बहुत भयानक है भैया। ये वाली कोई पहाड़ तोड़ने की आवाज़ नहीं, बिजलियाँ गिर रही हैं यहाँ पे। अभी बैठा हूँ मैं त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला के अंदर, एक दुकान के अंदर हाईजैक कर रखा है हमें किसी बंदे ने, नहीं बारिश ने। नॉर्थ ईस्ट के अंदर यही हाल रहने वाला है मानसून, बिजली की आवाज़ है ये। यहाँ पे भी बारिश डेली होता है? आज ही हुआ है यार, मैं मेघालय से निकल के आया जल्दी से बारिश से पीछा छुड़ाने के लिए, मेरे आते यहाँ पे ये मिल गया। तो बारिश बंद हो चुकी है भैया, अब निकलते हैं यहाँ से। और यार नॉर्थ ईस्ट में इतना बारिश होता है, मेरे को लगता है 1-2 लाख सालों के अंदर इनके जीन्स में चेंज हो जाएगा। और भगवान जो ये सारे दिन छाता लिए रखते हैं ना सर के ऊपर, ऐसे कछुए की जैसे इनके सर के ऊपर एक टोपी लगा देगा। तो बारिश हो गई बंद, और अब मैं पहुँच गया हूँ अगरतला की हेरिटेज साइट पार्क के अंदर। आई लव त्रिपुरा। और सामने की तरफ बना हुआ है हेरिटेज पार्क, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। बाहर की तरफ लगा हुआ भाई टिकट काउंटर, टिकट भी लगता है क्या इसका? अरे बड़ी टिकट लेना पड़ेगा, उधर कोई नहीं है। आ रहे कितना? 10 रुपये। और पार्क के एंट्री गेट पे बनी हुई है कुछ ट्राइबल लेडीज का स्टैचू, इसने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है और सिर के ऊपर देखो बोतल जैसा कुछ रखा है। इनका डांस फेम होता है, जब ये डांस करते हैं तो ये बोतल वगैरह सिर के ऊपर रख के डांस होता है। तो पार्क में बने हैं कुछ ऐसे त्रिपुरा की जो हेरिटेज प्लेसेस हैं। ये है भाई अगरतला का ट्रेन स्टेशन, और थोड़ा सा इस स्टेशन से आगे चलते ही स्टेशन आएगा जोगेंद्र नगर, और जोगेंद्र नगर स्टेशन के पास में है चतुर्दास देवता मंदिर, और इस तरफ है उज्जैनता पैलेस। तो त्रिपुरा के अंदर जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं इस पार्क के अंदर, उनका छोटा रूप बनाया हुआ है। त्रिपुरा के अंदर फेमस चीज़ें क्या है, एक तो यहाँ का बैम्बू हैंडीक्राफ्ट, दूसरी चीज़ यहाँ के ट्राइब्स और उनका ट्राइबल डांस। यहाँ पे काफ़ी ट्राइब्स हैं, त्रिपुरी, मिजो, मणिपुरी, खासी, गारो, ये मतलब आसपास के जो 7 स्टेट्स हैं ना, तो यहाँ के लोग ऐसे वैसे माइग्रेट करते रहते हैं, यहाँ पे आके बस जाते हैं, रहने लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो मिलेगी आपको बंगालीज पूरे 7 स्टेट्स के अंदर मिलेंगे। और यहाँ पे जो बंगाली हैं ये अपने पश्चिम बंगाल से नहीं आए हुए, ये आए हुए हैं बांग्लादेश से मोस्टली। और त्रिपुरा फेमस है अपनी हेरिटेज साइट्स और ट्राइब्स की वजह से। वैसे तो त्रिपुरा एक ट्राइबल स्टेट है पूरा, यहाँ पे त्रिपुरी, मिजो, खासी लोग मिलेंगे आपको, लेकिन उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे आपको मिलेगी बांग्लादेश से जो आए हुए रिफ्यूजी हैं यहाँ पे, बांग्ला लोग। और हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए टूरिस्ट कम आते हैं, और प्रेमी जोड़े ज़्यादा दिखेंगे आपको यहाँ पर। ये बना हुआ है त्रिपुरा का मैप, ये है ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट। ऊनाकोटी नॉर्थ के अंदर पड़ता है त्रिपुरा के अंदर, और ऊनाकोटी के अंदर स्पेशल क्या है कि वहाँ पे एक पूरा गांव बना हुआ है स्टैचूज का, मतलब मूर्तियाँ ऐसे कुछ। ये क्या है? कोई हैंडीक्राफ्ट शॉप जैसा लगता है। हैंडीक्राफ्ट, ओके मैं देखूँ, कोई बात नहीं। फ्लूट ये कितने का? 150। इसको बजा के देख सकता हूँ? ओनली फॉर 150। काफ़ी अच्छा प्राइस है यार, ऑनलाइन 1200 दे दिए थे मैंने। ये कौन सा ट्राइबल का ड्रेस है? मणिपुरी का। मणिपुरी, ओके। त्रिपुरी का कौन सा होगा? वो ही त्रिपुरी का ही है। त्रिपुरी मणिपुरी सेम है क्या? और जो पार्क से बाहर स्टैचू लगा है वो भी इसी ट्राइब का है क्या? ओके। हाउ मच? 60 यार, काफ़ी सही है। थैंक यू ब्रदर। भाई ले तो सकता था मैं, लेकिन
रखने के लिए मेरे बैग में जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी चलते हैं हेरिटेज पार्क से बाहर। ओके बाय बाय, मिल गया। दादा अनानास वन पीस कितने का? 20 ओनली। कितना होगा ये, आधा किलो? काट के दोगे ना आप? दीजिए। ये क्या लिए केक लेके आया यार, ये मेरे ट्यूब में डाल दिया। अच्छा है, डाल देगा आपका इसके ससुर में? ससुर है ना, आप पैसा नहीं देगा इसको। क्यों नहीं देगा? बोला ए अनानास पैसा। अच्छा ससुर को पता नहीं है क्या? पता नहीं है। ओ काम ही तो कर रहे हैं यार, क्या गलत है? ब्राउन शुगर तो नहीं भेज रहे? अच्छा है। दादा ये इतना सस्ता कैसे मिलता है यहाँ पे, लगता है क्या अनानास? किधर होता है? थोड़ी अच्छा बागान लगे हुए हैं। सीधा खाने का। हेलो दादा, हम आपका दुकान देखे देख सकता है आपका दुकान? कोई बात नहीं, क्योंकि दादा जो बेच रहे हैं ये बैम्बू से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट है पूरा। दादा ये पूरा बैम्बू से बना है, बांस से? हिंदी आता भूल बदरती है कि ना नहीं, हमरा लाइन ना बेसी। कुछ समझ में नहीं आता, ये बांस से बना है? बांस से बना हुआ बांस है, बांस है, बांस है, यही पूछता मैं। एक ही हो बे? मांस मांस मांस, हां मांस दो या तीन ही दे। अच्छा दो के इसमें डालने का। सब कुछ बर्तन अपने जैसे आते हैं ना, उस हिसाब से बना हुआ है। दादा वो मछली पकड़ने वाला है? मछली पकड़ने वाला नहीं, वो नहीं है। ये मुर्गा डालने का है? ये कितने पैसा? 120 रुपया। 120 ओनली? 100 टका। 100 टका में खत्म? हाँ यार कितने सस्ते में बेच रहे हैं दादा। ठीक है दादा, थैंक यू। अनानास खाना है? नहीं। थोड़ा सा एक दे सकता हूँ मैं? ठीक है थैंक यू। दोनों बात दो का। अभी क्या हुआ कि मैं शहर से बाहर चला गया था, लेकिन बाहर जाने के बाद पता चला कि मेरा अनानास खत्म हो गया, तो मैं वापस जा रहा हूँ दादा के पास अनानास लेने के लिए, क्योंकि यार स्वाद ही बहुत है, वो भी 20 रुपये में मिल रहा है ओनली। लेट तो काफ़ी हो रहा है मेरे को, शाम तक लगभग यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूसरे एक दूसरा शहर वहाँ के लिए भी निकलना है। पहले मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा गुरुद्वारा साहिब, वहाँ से उठाऊँगा बैकपैक, बाद में चलेंगे उस सिटी के अंदर, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पे मेरे को एक होस्ट मिल चुके हैं काउच सर्फिंग के ऊपर, उनसे बात भी हुआ था, मेरे को होस्ट कर देंगे वो। तो ये आज रात को यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट वहीं पे चलेंगे। दादा दो और देना। ये कौन सी जगह आ गई यार, गलत आ गया मैं। दादा फुलबाड़ी, फुलबाड़ी का रास्ता ये होता? नहीं नहीं फुलबाड़ी, फुलबाड़ी चांदबाड़ी। हाँ हाँ इधर जाके राइट लेना, इधर जाके राइट, इधर जाके लेफ्ट लेफ्ट लेना। ओके चांदबाड़ी वो ही है ना बाहर रोड की तरफ जो है? थैंक यू दादा। चांदमारी? चांदमारी तो इधर है, दिस साइड चांदमारी। गुरुद्वारा? अरे तो ये गलत बताने वाले साले जान खा गए, वो बचपन में हमारा बताया हुआ लौट के वापस आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। हेलो आंटी, फाइनली कोई हेलो वापस तो आए, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है अपना। मेरे को स्कूल के पास जाना है, हाई सेकेंडरी स्कूल। यू ड्रॉप मी? थैंक यू सो मच श्रोमन भाई। हाँ भाई तो पूरा गुरुद्वारा साहिब तक ही छोड़ गया यार अपने को। हेलो बाबा जी, अनानास खाओ। चाबी दे दो मेरे को, बैग निकाल लेता हूँ। जिस मकसद से तुरी हो, रब दे भरोसा करके जाओ काम। हाँ हाँ बस रब दे भरोसा है। थैंक यू बाबा जी। सामान ले लिया सारा? हाँ सामान ले लिया। ओके जी, ले लो खाने के लिए। ना ना ये आपके लिए लेके आया, मैं दो खा के आया मार्केट में। तो शाम के बज रहे हैं 6 और अम्बासा के लिए लिफ्ट अपनी अब शुरू हो रही है। ये वाला रोड तो जाता है अम्बासा के लिए। दादा अम्बासा यही जाएगा रास्ता ना? अच्छा ओ ये वो वाला टोकरी जो आपने देखा था ना उस दुकान पे, ऐसे मुर्गी डालने का काम आता है ये वाला। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि अंधेरा बस 15-20 मिनट में हो जाएगा। और अम्बासा मैंने देखा था लगभग यहाँ से किलोमीटर है 90 के आसपास, तो 2 घंटे लगे हैं, कोई ट्रक या गाड़ी मिलेगी उसके अंदर भी। अम्बासा थैंक यू ब्रदर यार रोकने के लिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है दास। बंगाली? बंगाली। अच्छा जी,
तो बेंगोली भाई ने बचा लिया यार, रात के 7 बज गए थे, पूरा अंधेरा हो गया था। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody. Thank you, Dodo. Thank you. फिर कभी मिलेंगे। दादा रेलवे स्टेशन का रास्ता सीधा ओके। ये पहुंच गए भैया जोगिंदर नगर के रेलवे स्टेशन पे, यहीं पे टेंट लगाया ना अपने को रात को। अरे दादा अंबासा के लिए ट्रेन अभी आएगा या सुबह? सुबह सुबह। कितना बजे? 6 बजे। मेन स्टेशन में चला जाना, वहाँ से सुबह चला जाना। अभी मेन स्टेशन कौन सा? ये आगे का स्टेशन में, अदरका स्टेशन में जाएगा। ये ट्रेन पे चला जाओ, पैसे नहीं लगेगा। अगरतला में वही स्टॉपेज होगा, रात में सो जाना, सुबह चला जाना। यहाँ पे रात को सोना, यहाँ में कोई अच्छा नहीं है, ये खाली है, कोई नहीं रहेगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो भाई दिन खत्म होते होते एक ट्रेन की राइड भी ले लेते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे यार सभी यही बोल रहे हैं कि सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, तो फालतू में रिस्क लेना अच्छी बात नहीं होगा। तो जहाँ से आए थे 20 किलोमीटर पीछे उधर ही चलते हैं वापस अगरतला। I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get